महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश 11 और 12 नवंबर को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा 2 दिन का कार्य बहिष्कार घोषित था। उस कार्य बहिष्कार के पूर्व 9 तारीख को मुख्य सचिव के अध्यक्षता में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई, जिसमें परिषद की प्रमुख मांगों पर सहमतियाँ बनी और इस सहमतियाँ को देखते हुए हाईकमान ने बैठक की और समीक्षा की और उसके लिए 1 महीने के लिए हम लोगों ने अपने आंदोलन को स्थगित किया। आज कल अभी लखनऊ में हम लोगों के फिर प्रदेश के हाईकमान की बैठक हुई, जिसमें तिथि घोषित करनी थी 1 महीने के बाद की। कार्यवृत्त कल जारी हुआ, उस कार्यवृत्त में हम लोगों ने समीक्षा की, उसमें ये घोषित किया गया है कि अगर सरकार 29-30 नवंबर तक अपने इस जो उन्होंने सहमतियाँ दी हैं, जिस पर उन्होंने शासनादेश निर्गत करने का आश्वासन दिया है, यदि नहीं करती है तो 29-30 नवंबर को प्रदेश सभी कार्यालय बंद होगा और पूर्णकालिक हड़ताल की घोषणा होगी।